मोबाइल में सीपीयू लगाया है जी सर, पावर भी लगाया है जी सर, सब लगाया है। क्या बात है, और लास्ट डे क्या करके गए? कमलेश, तुम्हारी हंसी तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी है भाई। अच्छा, क्या बात है, बहुत पॉजिटिव स्टूडेंट है ये। कमलेश, राजस्थान में क्या करते थे आप? मैं अपना मोबाइल का शॉप है सर। हाँ, रिपेयरिंग में एकदम पैसे हूँ, कुछ नहीं करते। बिल्कुल पैसे हूँ सर। तो मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप में क्या करते थे, मतलब खोल ली थी पहले से ही? हाँ, सब हुआ था, ऐसे ही वगैरह ऐसा सर, इसका ये सब काम करते थे, पर रिपेयरिंग नहीं करते थे। क्यों लगा कि मैं ही रिपेयरिंग करूँ, क्यों नहीं लगा कि लड़के रख लेते हैं, यूट्यूब से सीख लेते हैं या किसी दुकान में चले जाते हैं? एक इंस्टीट्यूट में आने के लिए क्या आपको मतलब मोटिवेट हुआ कि एक इंस्टीट्यूट में जाके सीखो? सर, दुकान से सीखना चाहते हैं, वहाँ मोबाइल बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं वो नहीं सीख सकते। हाँ, ये तो बात है, इंस्टीट्यूट में आने में आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। नहीं तो आपको ये नहीं लगा कि यार मैं जाऊँगा तो मेरा इतना टाइम दुकान बंद रहेगा, मुझे लॉस रहेगा, तो ऐसा क्यों, ऐसा लगा नहीं आपको? नहीं सर, सीखने के लिए अपना टाइम और पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा मेरा सीखने के। और अब लॉस की बात करें तो वो तो सब रिकवरी रिकवरी है, क्योंकि पहले और अब के में अब तो हंसी आती होगी बहुत ज्यादा, बहुत हंसी आती कि यही चीज अगर मैं 6 महीने पहले 1 साल पहले सीख लेता तो आज क्या कर लेते आप? सच बता, बहुत अच्छा टेक्नीशियन बन जाता, बन जाते। बहुत सारे स्वेट आए होंगे आपके दिमाग में, चलते होंगे यार ये तो मैं बना सकता था जी सर, ये पावर से गेम था वो मैं बना सकता था। सारे डायग्नोस की बात करूं, आईसी पहचानने की बात करूं, डीएसओ चलाने की बात करूं, या फिर अपने लाइव 4G मोबाइल में सीपीयू लगाया है जी सर, पावर भी लगाया है जी सर, सब लगाया है। क्या बात है, और लास्ट डे क्या करके गए? और यहाँ पर टाइमिंग की और डिसिप्लिन की बात करें तो कैसा है? बहुत अच्छा डिसिप्लिन है सर, बहुत टाइट भी है, टाइट है वो भी हमारे फायदे के, स्टूडेंट के फायदे के ही होता है। सच बताओ, आज आप सर्टिफिकेट लेके खड़े हो तो वो डिसिप्लिन की वजह से ही है सर, डिसिप्लिन की वजह से। और आप खुद तो आज आप स्माइल दे रहे हो क्योंकि वो एक कानून कायदे की वजह से जी सर, है ना, कानून कायदे की वजह से ही आदमी आगे टिक पाता है। और क्या, ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी नए स्टूडेंट को ये राजस्थान से आए तो क्या बोलोगे? जिनको अच्छा नॉलेज के साथ टेक्नीशियन अच्छा बनना है, अच्छा नॉलेज चाहिए, उनको जरूर आना चाहिए। तुम एसिया टेलीकॉम क्यों क्यों ज्वाइन कर लिया? तुम चले आते दिल्ली में, मुंबई में 15 दिन का कोर्स कर लेते, 10 दिन का कोर्स कर लेते, तो हमारे पास क्यों आ गए? दूसरे इंस्टीट्यूट होते हैं वो प्रॉपर नॉलेज नहीं देते, और हर एक स्टूडेंट से करवाते नहीं ऐसे। हाँ, यहाँ पर हर एक स्टूडेंट से अपना हाथ से करवाते हैं, जिससे नहीं होते है वो एमडी से अपने पास बिठा के करवाते ऐसे। मतलब जिससे नहीं होता है तो उसको छोड़ते नहीं है, ये नहीं बोलते कि तू जाके सीख लेना, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अपने सामने करवाते। अच्छा, आपकी क्लास का बैकअप के स्टूडेंट भी आए थे जिससे आए थे, तो उससे देखकर क्या फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ, आपका बाद में कोई सपोर्ट होता है सर, मतलब ये कि बैकअप के स्टूडेंट भी आ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं है। और इवन जो अभी कैमरा पकड़े हुए हैं, मैं उनको भी दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारे साथ जो स्टूडेंट है, आप किसी वजह से एमएमसी की क्लास अटेंड नहीं कर पाए? नहीं सर, मैं सॉफ्टवेयर डेड सेक्शन और एमएमसी तीनों अटेंड नहीं कर पाया था। क्या रीजन था? मेरे फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मैं वापस रिटर्न चला गया था। अब आपको वापस यहाँ बुलाया गया है तो कोई फीस ली गई है क्या? नहीं सर, कोई फीस नहीं ली गई है, और बेहतर तरीके से सीखने का मौका मिला जरूर। क्या बात है, चलिए तो यहाँ पर लास्ट की जाने का क्या प्लानिंग है? मैं प्रैक्टिस करनी है सर बहुत अच्छे से, और मेन जैसे टेक्निकल बढ़ना है सर। अच्छा, बस ये क्या बात है, चलो सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले, और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबॉलिंग और रिबॉलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबॉल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल।
आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? सर आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिक्योर डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल से। यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू। डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने। और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Dekkar.